एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। ये कपड़ा धुल दिया है मैंने, जा रहे हैं डालने। ये मैंने सारे कपड़े डाल दिए। कुछ कपड़े यहाँ डाले हैं, सब जगह ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। अभी सुबह के 8 ही बजे हैं, पर कितना तेज धूप हुआ है, जैसे लग रहा है कि 10 बज गया। अभी सुबह के 8 हुए हैं और मैं कपड़ा ऊपर से डाल कर आ गई हूँ। और इधर मेरा सब्जी भी बन चुका है, पिज्जा भी हो चुका है। और ये अब जा रहे हैं ये चाय अम्मा पकाने। आइए आप लोग भी मेरे हाथ का चाय पकाने। और क्या बताएं, रात भर जगना पड़ा 2 बजे से। ऐसे ही करता है आरव, आरव जगा कर रखा था। अभी तो उसके पापा और वो दोनों लोग सोए हैं, तो अभी ये 9 बजे तो चले जाएंगे। आज लेट से जाएंगे, नहीं तो हम इसमें 8:30 बजे चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि चाय पी लूँ, तब तक पूजा भी कर लूँ, कपड़ा भी डालूँ, सारा काम हो गया मेरा आज। अभी सोए हैं वो लोग। आरव का दोपहर में ये खिचड़ी बनाया तो ये पूरा लग गया, बहुत गलत। ऐसे कुकर मारने में बहुत परेशानी होती है। और ये पूरा गैस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, तो इसको पूरा अच्छे से इसको हम कर दे रहे हैं। जब गंदा हो जाता है तो फिर साफ करने में बहुत परेशानी। जितना भी अच्छे से बनाओ, ये खिचड़ी तो गिरना है तो गिरना है। पूरा ये सब पुत गया, अब अच्छे से इसको साफ कर दें साबुन से रगड़ के। ये मैंने गैस अच्छे से पोंछ कर चमका दिया है। और कुकर को भी मैंने अच्छे से धुल दिया, ये सब हो गया है। ये माता रानी का शाम का दिया बाती भी हो गया। और ये साड़ी कमरे में ही डाले हैं क्योंकि इसका कलर जा सकता है। ये लड़का बैठ के कार्टून देख रहा है, तो अब फिर मम्मा खाना जल्दी से बना लें। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ प्लेट के अपना संतरा खा रही है। और ये मेरा आरा बेटा वाइपर लेके उल्टा लटका रहा है। और यहाँ हम अकेले बैठ के सब्जी काटने हैं। ये नहीं कि मदद करा दें, ना मेरा बेटा मदद कराएगा, ना ये हीरोइन मदद कराएगी। और तुम यहाँ पे क्यों लेटी हो? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लेटने में तुमको अच्छा लग रहा है? आपको भी देखना है ये। हाँ, आप भी ले लेंगे? नहीं, हमको नहीं देखना। और ये देखिए, संतरा का छिलका खा कर, चप्पल यहाँ पे उतार कर, यहाँ पे ऐसे लेटी है जैसे लग रहा है। क्या बताएं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक ये मेरा बेटा है। नहीं, मोनी और आरव का घर। अब ये किचन के नीचे सब सोएंगे। अब ये लोग कमरे में, तो आरव जाएगा नहीं, मोनी भी अपने घर नहीं जाएगी। ये लोगों को हमने भगा दिया है। अब यही भी सोओगी ना किचन में? ठीक है, तुम्हें बेटा, तुम्हें सोएगा आरव? ये दोनों का मिली भगत है अपने में। ये देखिए दोस्तों, आरव क्या कर रहा है। ये तो और काम पे काम बढ़ाता रहता है मेरा। हम क्या करें यार, तुम पाउडर पूरा गिरा दिए। ये बताओ, तुम पाउडर तुम गिरा दिए हो तो कैसे लगाओगे? अब इसको इसका आवाज म्यूट कर दिए तो देखो कितना परेशानी हो रहा है। लगा दो, अब पाउडर गिरा उसका कोई परवाह नहीं है। जाओ बेटा, हम ही नहीं लगाए। हाँ देखो, रिमोट अपने हाथ में ले लिया कि मम्मी म्यूट कर दे रही है। चादर पे फिर बाथरूम कर दिया, वो चादर बदल दी है। अब दूसरा चादर बिछाए हैं, वो चादर बिछने का समय ही नहीं आ रहा। जब बिछ रहा तब बाथरूम कर दे रहा है ये लड़का। हाँ, अब कंघी उस पर टिका रहा है। ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे? देखो वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए चल रहा है। हाँ, ये अपना कार्टून देख देख कर ये सब करता रहता है। ये पाउडर पूरा छीट दिया। डायरेक्ट पानी पिया जाता है जो। ये चावल मैंने भून लिया है, इधर मेरा दाल बन रहा है। इधर ये मोनी आ गई दूध लेकर मेरा। इसको हंसने के अलावा कुछ आता नहीं है। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, नमस्ते बोलो। ये तो पिस्सी पिस्सी कर दिया, अभी चादर बदले हैं फिर कर दिया। ये बताता ही नहीं है ये लड़का। कहाँ क्या कह रहा है, पूरा पाउडर लगा लिया है।
लंगू लंगू अपना पॉटी धुला चुका, ये बेचारे का पूरा लग गया। ये पैंट उतार रही थी किसका भला के लिए, इसका कैमरे में नहीं आना चाह रही है। कहाँ भीगा देखो, आहा पूरा भीग गया। जाओ जल्दी चौकर बदलो, बेचारी पाउडर लग गया पूरा, तुम्हारे सिर पे पाउडर लग गया। और आराम को खिला, ये आराम अपना मस्ती कर रहा है। चलो इसको चड्डी पहना है, ये चादर भी बदलना पड़ेगा। इधर इसका डायपर पहना कर इसको पैजामा पहना दिया, ये बेडशीट भी चेंज कर दिया मैंने, जो बाथरूम कर दिया। इसको प्यास भी लग गई थी बहुत जोरों से। ये एक चादर, फिर ये दूसरा चादर, दो चादर निकल गई। ये मेरा सहजन भी रेडी हो गया, अब जा रहे हैं चावल चढ़ाने। दाल भी बन चुका है। मोनी आई, सोची आरव का बाथरूम कर दिया है तो उसका पैजामा चेंज कर दें, पर उसको पता नहीं था कि पॉटी किया है और उसका पीछे का दांत निकल रहा है आरव का, तो उसकी वजह से ही पॉटी कर रहा है। तो तब जा रहे हैं आरव को खाना वाना खिलाने। दाल बन चुका है, चावल चढ़ाएंगे, अभी एक सिटी में हो जाएगा तो उसको दाल चावल खिलाएंगे। और मेरा भी खाना हो गया है, आएंगे आरव के पापा। यहीं पे वीडियो को एंडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।